भाई सारे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं पूजा शर्मा लाइव हूँ अपने भाई बबलू मिर्चपुर के पेज से। भाई मैं ये बात रखने के लिए आज लाइव आई हूँ कि एक भाई है जिसका नाम है उपेंद्र। तो भाई मैं आज तुझसे ये बात कहने आई हूँ कि सबसे पहले तो मैंने तेरे जैसा ना बेवकूफ़ इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पूछ क्यों? वो ये कि पहले तो तू छेड़ता क्यों है, और अगर छेड़ देता है तो उस जगह आता क्यों नहीं है। भाई मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अभी तूने कुछ टाइम पहले जो जाटों को छेड़ा, पहले तो तूने अपने फूफाओं को छेड़ा, उसके बाद जब तेरे फूफा तेरे दिए हुए टाइम पर तेरे जगह पर आए तो तू वहाँ से भागा हुआ मिला। तो भाई या तो बोला मत कर, और अगर बोल देता है तो भाई फिर वहाँ आया कर। दूसरी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, विशेषकर मेरी जो हाथ करके विनती मैं कर रही हूँ अपने राजपूत भाइयों से कर रही हूँ, कि जो उपेंद्र राणा जैसे लोग हैं जो कि समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं और भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं, आपका ऐसे इंसान का हुक्का पानी बंद करना चाहिए, क्योंकि ये किसी की जात को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले भाई मैं हूँ ब्राह्मण, मेरा नाम है पूजा शर्मा और मैं हूँ ब्राह्मण कास्ट से। उसके बाद भी मैं 36 बरादरियों को सपोर्ट करती हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं अपने जाट भाइयों का इसलिए करती हूँ भाई कि सुनो मेरी बात, मेरे किसी भी बुरे वक्त हुआ है तो बबलू मिर्चपुर और हर्ष भाई मेरा साथ देने के लिए आए हैं। मैं ब्राह्मण हूँ इसके बावजूद भी। दूसरी बात ये है भाई उपेंद्र राणा तेर से कि सुन, इतिहास गवाह है, उठाकर देख ले, चढ़ते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है और चांद की पूजा साल में एक बार होती है। तो जो हमारे जाट भाई है ना भाई, देख अगर तू खेल के मैदान में देख ले तो सबसे ज्यादा मेडल देश को जाटों ने दिलाए, और तू अगर इतिहास अपना उठा के देख ले तो भाई सबसे ज्यादा होते हैं शहीद जाट, भाई देश की तरक्की में सबसे आगे जाट। तो भाई तू कैसे जाटों को गाली दे सकता है? इतिहास उठा ले, अपना भी उठा ले और जाटों का भी उठा ले। मैं यहाँ किसी धर्म विशेष या जाति विशेष पे बात करने नहीं आई हूँ, लेकिन भाई उपेंद्र मैंने तेरे ऐसा घटिया आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने तेरी कितनी तो रिकॉर्डिंग सुनी, जो पहले तो तू बहन बनाता है, उसके बाद उन्हीं लड़कियों से बदतमीजी करता है। पहली बात तो तू इंसान कहलाने लायक इंसान नहीं है, तू बिल्कुल इंसान कहलाने लायक इंसान है ही नहीं। दूसरा ये है कि तू जो 36 बरादरी का भाईचारा है ना वो खराब कर रहा है। और दूसरी बात ये कि या तो तू अपने फूफाओं जाटों को छेड़ा ना कर, और छेड़ता है तो वक्त तय आ जाया कर। बबलू मिर्चपुर ने 20 घंटे पहले तुझे टाइम बताया, तेरा स्थान बताया, उसके बाद भी तू वहाँ से भागा हुआ मिला। तू मर्द कहता है खुद को? मेरी नज़रों में तो भाई तू बिल्कुल मर्द नहीं है। मैं तो भाई तेरे ऐसे आदमियों को मर्द कहती नहीं हूँ। देख चूड़ियाँ नहीं पहनती मैं, लेकिन मैंने तेरे लिए चूड़ियाँ लाई हूँ। तेरा दिल करे ना भाई उपेंद्र राणा, बता दिए कहाँ चूड़ियाँ भिजवानी है, 2 दर्जन 10 दर्जन 20 दर्जन चूड़ियाँ भिजवाने का काम मेरा रहा। तेरे पते पे मैं चूड़ियाँ भिजवाऊंगी, क्योंकि तू 36 बरादरी का भाईचारा बर्बाद कर रहा है। भाई शर्म आती है नहीं आती तेरे ऐसे लोगों को? और भाई येरी सुनो भाई, कान खोल के मेरे सारे भाइयों के लिए, कि एक ना रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सुनो उपेंद्र राणा का असली चेहरा और उसकी हैसियत और औकात। ये लो भाई। तू ये मान ले कि मेरे लिए यार, तो मैं तेरे मक्खन बाजे नहीं कर रहा बिल्कुल। मैं ये मान ले तो मेरे लिए यार एक फरिश्ता होगी, भगवान होगी, बस कभी कहीं नहीं दिखूंगा, कहीं पर भी अगर दिखू तुझे तुम मुझे जो कही मैं वो करूंगा, लेकिन यार ऐसा मत कर प्लीज यार। भाई ऐसे पता नहीं इसकी कितनी रिकॉर्डिंग्स है, जो अगर मैं सुनाने बैठी ना भाई लोग काट काट के सुनाऊंगी, वक्त मेरे भी दौरे कौन आए। जब भी आऊंगा वो लोग कहीं का बैठे किसी दुकान का मोल का मैं वहाँ पे लगवा दूंगा। अब कहते हो यार मैं रात को भी लगवा लेते, मेरे पास आपको कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं है यार, क्योंकि मुझे वो रख के यार मैंने मरना छोड़ी यार। भगवान की कसम यार, यकीन
भाई ये रिकॉर्डिंग सुनाने का तो बखत मेरे भी पास नहीं है, लेकिन मैं उपेंद्र राणा तुझे ये बात बोलना चाहती हूँ कि या तो अपने फुफाओं जाटों को छेड़ा मत कर भाई। इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर कोई भी विपदा आई है ना, तो जाट सबसे पहले आए हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र है वशिष्ठ, ब्राह्मण खानदान की मैं बेटी हूँ, उसके बाद भी मैं जाटों का समर्थन करती हूँ, और जाटों का ही नहीं अपनी 36 बरादरी का समर्थन करती हूँ। लेकिन तेरे ऐसे लोग जाति में रहने लायक नहीं है, क्योंकि तुम समाज में रहने वाले लोगों के बीच में जहर घोल रहे हो, तुम समाज में जहर घोल रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है उपेंद्र राणा। और फिर दोबारा दिखा दूँ चूड़ियाँ, 2 दर्जन 10 दर्जन 20 दर्जन जितनी चाहिए मुझे बता दी है, तेरे घर पहुँचा दूंगी, क्योंकि तू मर्द कहलाने लायक तो है नहीं। पहले तो तू छोरियों का बनाए अपनी बहन, और उसके बाद तू उनसे करे बदतमीजी। पता नहीं कितनी तेरी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी हुई है, और मैं चाहूँ तो अगर लाइव वीडियो पे सुना दूँ ना, तो तेरी एक कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। और राजपूत भाइयों, तुमसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग बिरादरी में रहने लायक नहीं होते, इन लोगों का इसका करो हुक्का पानी बंद। क्योंकि राजपूत हो या जाट हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, कोई भी कास्ट का हो, है तो हमारा देशवासी, कर्तव्य देश के लिए रहा है। बिल्कुल ये बंदा पहले तो 2018 में भी इसने यही करा, जब 2018 में भी बबलू मिर्चपुर और हर्ष भाई पहुंचे और भी मेरे जाट भाई पहुंचे वहां पे, तब भी ये नहीं मिला। फिर इनने माफी मांगी, पोस्ट डिलीट करी, इनने ड्रामा रचा, उसके बाद अब इनने फिर से गाली गलौज की, वहां पे जाट समाज पहुंचा तो ये फिर वहां से भागा हुआ था। तो भाई या तो ये मर्दों वाली हरकतें करना सीख ले, वरना तुझे हिजड़ों की गिनती में मैं ले आऊंगी, क्योंकि तेरे ऐसे आदमी मर्द कहलाने के तो लायक रहे नहीं है। दूसरा, समाज को तुम बर्बाद कर रहे हो। कभी भाई तू किसी की जात को गाली दे देता है, कभी भाई तू किसी की जात को गाली दे देता है, तू है कौन? समाज के लिए तूने करा क्या है? तूने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, तू अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं पाया, तू समाज के लिए क्या करेगा? तू यही बता दे, चल जाट छोड़ और 35 बिरादरी एक रख दे, तू अपनी बिरादरी की बात कर ले। तूने राजपूतों के लिए क्या कर दिया, क्या कर दिया तूने? और भाई राजपूतों, मेरी आपसे विनती है कि आपको इस बंदे का हुक्का पानी बंद करना चाहिए। ये समाज में, आपको पता है, मैंने अपनी लाइव वीडियो में भी आप लोगों से एक बात बोली थी, वो ये है कि हमारा समाज हम लोग खुद बर्बाद कर रहे हैं। अगर एक मुस्लिम से पूछा जाए कि वो कौन है, तो वो मुस्लिम बताएगा, और हिंदुओं से पूछा जाए ना वो कौन है, तो अपनी 36 बिरादरी गिनवा देगा। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा फौजी शहीद होते हैं, और इसलिए देश के अंदर गद्दारी होती है। और भाई उपेंद्र राणा, तू इतना बड़ा मर्द है ना भाई, तो मैं तुझे खुला चैलेंज दे रही हूँ कि चल समाज और देश के लिए कुछ करते हैं, मैं भी तेरी मर्दानगी देख लेती हूँ। चल एक बम तू अपनी बॉडी से बांध, एक बम मैं अपनी बॉडी से बांध, तू चल पाकिस्तान में कूद जाते हैं, कम से कम भारत देश का तो भला कर दें, अपनी बिरादरी का तो तू कर नहीं पाया, और जाटों से उलझना तेरे बस की नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं एक ब्राह्मण खानदान की बेटी हूँ, मेरा गोत्र है वशिष्ठ, शायद लोगों ने सुना होगा गुरु वशिष्ठ, जिन्होंने श्री राम जी को शिक्षा दी थी। लेकिन मैं जाटों का समर्थन सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे बुरे वक्त में हमेशा बबलू मिर्चपुर और हर्ष भाई जैसे लाखों मेरे जो जाट भाई हैं वो मेरे से जुड़े रहे और हमेशा मेरा साथ दिया। और सिर्फ मैं अपनी ही जात बिरादरी की बात नहीं करूँगी, इन लोगों ने 36 बिरादरी का साथ दिया है। कितने आप पोस्ट उठा के देख लो, इनकी कितनी हिस्ट्री आप नाप लो, कितनी हिस्ट्री देख लो। और सिर्फ समाज के लिए ही नहीं, अगर हम अपना इतिहास भी उठाएंगे ना, और उपेंद्र राणा तेरी औकात क्या है भाई, जो तू इतने बड़े बड़े सूरवीरों को गाली दे रहा है। भाई तेरे से हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, किसी की तेरे से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन बात यह है भाई कि ना तूने ये हाल कर दिया है कि तेरे ऐसे इंसान को ना, मेरा तो दिल चूड़ियां ही पहनाने का कर रहा है। हालांकि चूड़ियां साज श्रृंगार में औरतों का है, लेकिन तू औरतों वाले ही तो काम कर रहा है। जैसे औरतें बात बोल देती है गली में खड़े होके, उसके बाद घर में घुस के बैठ जाती है, यही तो काम कर रहा है तू। 36 बिरादरी का भाईचारा खराब कर रहा है। और सुन मेरी बात भाई, तेरी अब इतनी औकात है ना, तो मैं अपनी लाइव वीडियो डाल रही हूँ, तू चाहे इसके रिप्लाई में तेरा जो दिल करे दे दियो, टाइम बता दियो। तो चल छोड़, इस बार जाट बिरादरी के साथ भाई ये ब्राह्मण छोरी भी साथ खड़ी नजर आएगी तुझे, ये ब्राह्मण भी आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि मेरे देश को जो बंदा बर्बाद करेगा मैं उसका हमेशा विरोध करूंगी। मैं हमेशा अपनी पहली भी लाइव वीडियो में बोली हूँ, मेरी हर लाइव वीडियो में मैं ये बात बोलती हूँ कि जो मेरे समाज को बर्बाद करेगा। और उपेंद्र राणा भाई, जो समाज होता है ना, बता दूं, शायद तेरी नॉलेज कम हो, समाज इंसानों से होता है, इंसान कभी समाज से नहीं बनता, समाज को इंसान खड़ा करता है। एक इंसान एक समाज बनाता है पूरा, एक इंसान फैमिली, एक से दो होते, दो से वो अपना परिवार बनाते, परिवार से वो सदस्य बनते, उसके बाद पूरी बिरादरी बनना चालू होती है। तुम इंसान हो तो इंसान बनना सीखो, और ना किसी की बिरादरी को गाली दो और ना इस भारत देश को बर्बाद करो। और भाई इतना बड़ा तू मर्द है ना भाई उपेंद्र राणा, इतना बड़ा मर्द है ना, तो मैं तुझे कह रही हूँ मैं भी तेरी मर्दानगी देख लूंगी, तेरी देशभक्ति देख लूंगी। सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए क्यों सोचे, सोच तो मेरे पूरे भारत देश के बारे में सोच, मेरे देश के जवानों के बारे में सोच, मेरे देश के किसानों के बारे में सोच। तो चल, एक बम मैं अपने कमर से बांधूंगी, एक बम तू अपने कमर से बांध लियो, चल, और चल पाकिस्तान में कूद मरते हैं, अपने देश में कुर्बान होते हैं, तो तू मर्द है, वरना मेरी नज़र में तू मर्द नहीं है। तेरी औकात सिर्फ ऐसी चूड़ियाँ पहनने की है, ऐसी चूड़ियाँ, दो दर्जन दस दर्जन जितनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवाऊंगी, फ्री तेरे लिए, क्योंकि तेरे जैसे लोगों की यही हैसियत, यही औकात है। भाई सारे भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं बोल जाते जाते ये फिर आपसे बोल के जा रही हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, छत्तीस बरादरी का भाईचारा बर्बाद मत करो। भाई हिंदुस्तान ना तो सिर्फ राजपूतों से चला है, ना सिर्फ जाटों से चला है, हिंदुस्तान हम लोगों से चलता है। और हिंदुस्तान को जो हिंदुस्तान से प्यार करते ना, उन लोगों की जरूरत है, ना कि जो 36 बरादरियों का भाईचारा बर्बाद करे उपेंद्र राणा जैसे गद्दार और हिजड़े, उनका समर्थन करना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि राजपूत समाज को ऐसे इंसान का हुक्का पानी बंद करना चाहिए। कैसे राजपूत समाज इसको ये सब बोलने की आज्ञा देता है, बल्कि राजपूत समाज अच्छे से जानता है कि समाजवादी बनो, बिल्कुल भाईचारा नहीं है, बंदा भाईचारा बर्बाद कर रहा है। राजपूत और जाटों में लड़ाई लगवा के हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है, गद्दार है या गद्दार? उपेंद्र राणा तू गद्दार है, सुन ले, अगर मेरी आवाज तेरे तक पहुंचे। और भाई इस वीडियो का इतना शेयर करना कि उपेंद्र राणा तक के फोन में दिखनी चाहिए ये वीडियो, उसको मेरी आवाज जानी चाहिए उसके कानों तक कि तू 36 बरादरी का भाईचारा बर्बाद कर रहा है, और भाईचारा बर्बाद करने पर तू मेरा देश बर्बाद कर रहा है, तो तू मेरी नजर में देशद्रोही है। और तेरे ऐसे मर्द मर्द कहलाने के लायक नहीं है, तू चूड़ियां पहन और घर में बैठ और चरखा चला गांधी जी की तरह, यही तेरी औकात है, देश को बर्बाद ना कर। और रही राजपूतों की बात, तो चल तेरे से ज्यादा ही पढ़ी लिखी होंगी, कम तो पढ़ी लिखी ना हूं तेरे ते, तो पढ़ लिए इतिहास उठा के मेडल। और देश में जब जब कुर्बानी की बात आई है तो सबसे ज्यादा किस बिरादरी ने कुर्बानी दी है, तो सबसे पहले जाट आएंगे। और ये सच है, मैंने पहले भी बोला फिर बोल रू कि जब सूरज उगता है ना तो उसकी पूजा दुनिया करती है, चांद की पूजा साल में एक बार होती है, और जिसकी पूजा 364 दिन हो रही है, और एक दिन कर क्या लेगा तू, जाटों की पूजा तो भाई 364 दिन होती है, ये समझ ले। क्यों? क्योंकि देश को मेडल मिलाने से लेकर और आगे तक सिर्फ जाट समर्थन देते हैं। इतिहास उठा लियो अपना भी और जाटों का भी। लेकिन बहुत दुख होता है तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोगों को देख के, जब तुम लोग मेरे देश को बर्बाद करने की और तोड़ने की बात करते हो। राजपूत भाइयों, जाते जाते अपनी लाइव वीडियो पे फिर बोल के जा रही हूँ कि आप लोगों को अपनी बिरादरी के जो उपेंद्र राणा है ना, इसका हुक्का पानी बंद करना चाहिए। उपेंद्र राणा तेरी क्या लाइव वीडियो पे औकात बताऊं, तू तो हिंदू कहलाने के लायक ही नहीं है। अबे हिंदू धर्म कब से अपने चाचा मामा फूफाओं की बेटी लेके भागने लग गए, हिंदू धर्म में कब से बहनों से शादी होने लग गई, तू तो अपनी बुआ की बेटी तक को लेके भागा हुआ है, तेरे को क्या हिंदू बोलूं, और हिंदू छोड़ तुझे क्या इंसान बोलूं यार, जो अपनी बहन को भगा के शादी कर ले, उससे क्या उम्मीद रखूं कि वो किसका सगा होगा जो अपनी बहन का सगा नहीं हुआ, तू तो हिंदू कहलाने के भी लायक नहीं है, ये तो भाई आज शब्द नहीं है तेरे लिए, मेरे पास शब्द नहीं है तेरे लिए कि तेरे ऐसे लोग हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। तू तो हिंदू जात पे कलंक है, राजपूत तो बहुत दूर की बात है, राजपूत तुझे क्या बोलूं, तू तो हिंदू कहलाने के लायक नहीं, हिंदू बिरादरी पे कलंक है तू, तेरे ऐसे इंसान को तो हिंदुओं को ही फांसी दे देनी चाहिए जो अपनी बहन को ही भगा के शादी कर ले, और तेरे बारे में क्या बोलूं।
नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। अगर मैं इससे ज़्यादा बोली तो शायद बहुत ज़्यादा जहर उगल दूंगी। माफ़ी चाहूंगी मेरे शब्दों से अगर किसी भी बरादरी को कोई भी ठेस पहुंची हो। बस ये जो लाइव वीडियो थी उपेंद्र राणा जैसे देश के गद्दारों और दूसरी बरादरियों को गाली देने वालों के लिए थी। उपेंद्र राणा फिर से चैलेंज दे के जा रहा हूँ भाई, चूड़ी मेरी तैयार है और मर्दानगी तेरी। अब डिसाइड तू करेगा, तुझे मेरे साथ कमर पे बम बांध के पाकिस्तान जाना है या फिर चूड़ियाँ पहननी है। पता है इस बार तू दे दे, चूड़ियाँ लेकर मैं आऊँगी। जाट बिरादरी के साथ ये ब्राह्मण भी आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम।